हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। बच्चों वेलकम टू द क्लास। तो कौन कौन आ गया है? हाय हेलो हो जाए सबका, आपस में मेरे साथ सबके साथ हाय हेलो हो जाए। अथर्व, सैयद, गुड इवनिंग बच्चों। अब आप आपस में भी जाने लग गए होंगे, बहुत सारे लोग तो आपस में। निकिता राउत, क्या बोलना चाह रहे हो बेटा? जो लोग नए हैं, अगर आप हैंड रेस करते हो तो आप मुझसे बात करना चाह रहे हो, ऐसा हो जाता है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द क्लास बच्चा लोग। हाय पीयू, विशाल, शेख, एवरीवन, गुड इवनिंग एंड हाय हेलो। हाय दिव्या, तो कैसे हो सब लोग? डिफरेंशिएशन तो आपको याद है, हमने अभी तक क्या क्या कंप्लीट कर लिया है? निकिता, आप मुझसे कुछ बोलना चाह रहे हो कि एक बार चैट में बोलो कि हाँ ना। ओके, हाँ, जो जो लोग नए हैं ना, यस, मुझे पता है ना, आप नए लग रहे हो, सही जिक्रा। ओके, यस बेटा। तो एक्चुअली अगर हम देखें, हमने क्या क्या पढ़ लिया, पूरा पार्ट वन कंप्लीट कर लिया बेटा हमने। यस, पार्ट वन कंप्लीटेड मैथ्स का। ओके, यस, जो बच्चे नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ। और पार्ट टू में हमने चैप्टर 7, जो कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हो गया। चैप्टर 8, जो कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी हो गया। और अभी चैप्टर 1 डिफरेंसिएशन, ये चल रहा है, जो कल हो जाएगा। डिफरेंसिएशन कल तक हो जाएगा। हाय बेटा, तो कल ही हो जाएगा, संडे भी नहीं लगेगा हिमानी। तो यहां तक की बात होगी। और फिर हम नेक्स्ट वीक में हम डिफरेंसिएशन का क्या, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ये पढ़ेंगे। ऐसे करते करते हम अगले 3 हफ्ते में, मतलब बाय 15th of April will end our syllabus. 15th of April तक हम लोग सिलेबस को क्या करेंगे, पूरा एंड कर देंगे। ओके बच्चों, 15, 17, जो भी वीकेंड आएगा, I'll try. मैं आज क्या करता हूँ, सारी क्लासेस शेड्यूल कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, फ्लो भी एग्जाम, पूरे सारी क्लासेस आज शेड्यूल कर दूंगा। ओके, यस, जितने लोगों को पुराने कोई टॉपिक देखना हो, आपको रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती है। कहाँ देख सकते हैं सर हम रिकॉर्डिंग, पता है आपको? लर्न टैब जो है उसके अंदर जाके आपको जो भी चैप्टर देखना है, वो चैप्टर पे प्रीवियस सेशंस देखने होते हैं ना, प्रीवियस सेशंस, प्लेबैक सेशंस, ठीक है? तो आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो जो भी टॉपिक का आपको देखना है। इसके अलावा आपको पता है ना, डेली 9:30 को क्या होता है बच्चों? डेली 9:30 को क्वेश्चन बैंक सॉल्विंग चल रहा है। शाम को 9:30 PM को क्या चल रहा है? क्वेश्चन बैंक सॉल्विंग। यस, तो बहुत ही बढ़िया, चलो बहुत अच्छे। गुड इवनिंग बच्चा लोग, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास। बस आप सब लोगों के लिए थोड़ा सा वेट ही कर रहे थे हम लोग, और वेट करते करते हम लोगों ने क्या किया, जितने बच्चे नए हैं उनको थोड़ा सा बता दिया कि हमारा अभी तक क्या क्या हुआ है। बहुत सारे बच्चे तो फर्स्ट डे से है मेरे साथ, तो उन्हें पता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे जो पहले से है मेरे साथ, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। गुड, स्टार्ट करें। यस, 5 मिनट हो गया ना, हम रुक गए 5 मिनट लोगों के लिए, सबके लिए। चलिए शुरू करते हैं अब। यस बच्चों, बच्चा लोग, अभी तक हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में क्या क्या पढ़ा, अगर हम देखें, हमने डिफरेंशिएशन में पहले पढ़े थे स्टैंडर्ड फॉर्मूले, ठीक? तो स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज देखे थे। फिर उसके बाद में हम लोगों ने डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन पढ़ लिया, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, ठीक है? कंपोजिट के बाद में फिर हमने क्या पढ़ा, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस। नेक्स्ट लेक्चर जो था मेरा इनवर्स पे था, ये एक्सरसाइज 1.1, ये एक्सरसाइज 1.2। फिर उसके बाद में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ा, एग्जैक्टली लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 1.3 का ही पार्ट था। और फिर उसके बाद में इम्प्लिसिट फंक्शन का पढ़ा, वो भी एक्सरसाइज 1.3। तो अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 कंप्लीट किया है,
ठीक है बेटा, ये 12th का लेक्चर है आलिया, है ना? दिस इज फॉर 12th। हाय हेलो एवरीवन, हाय हेलो, यस वेलकम टू द क्लास बच्चा लोग। हाय हेलो, इतना सब कंप्लीट हो गया डिफरेंशिएशन में, अब हमें क्या पढ़ना बाकी है? गुड इवनिंग बच्चों। तो हमें पढ़ना है पैरामेट्रिक के बारे में, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। तो आज का हमारा ये रहेगा पैरामेट्रिक फंक्शंस के बाद, जो कि एक्सरसाइज 1.4 होगा, एक्सरसाइज 1.4 होगा, ठीक है। डबल डेरिवेटिव वगैरह कल पढ़ेंगे, ओके। जितने बच्चे नए हैं, ठीक है, आपको डेरिवेटिव थोड़ा बहुत आता है तो आप है ना देख सकते हो, कर सकते हो, और इसके अलावा आफ्टर लेक्चर यू कैन सी रिकॉर्डिंग्स ऑफ द क्लास, ठीक है। रिकॉर्डिंग्स देखिए, पुराने लेक्चर्स को पढ़िए, तभी जाके टॉपिक अच्छे से होगा, ओके बच्चों, यस। तो जो बच्चे नए हैं, यू ऑल आर वेलकम टू द नून एकेडमी प्लेटफॉर्म, एंड नाउ लेट्स बिगिन विद द सेशन। चालू करें, सब लोग रेडी है? शुड वी स्टार्ट टुडेज लेक्चर, ऑल ऑफ यू, सब लोग रेडी? यस, चलो, ओके। अच्छा, सारी बातें लिखनी है ना, डिफरेंशिएशन जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा, तो आलस नहीं करना है, सिर्फ देखना नहीं है, लिखना भी है साथ साथ में। रिकॉर्डिंग कहाँ देखे, इसका आंसर कैसे दे हम, रिकॉर्डिंग कहाँ देखे बेटा? आपको एक लर्न टैब दिखेगा, एक फीड टैब दिखता है ऊपर में, तो लर्न टैब के अंदर जाना है ना, लर्न टैब के अंदर जो भी चैप्टर है वो सिलेक्ट करो, वहां पे आपको प्लेबैक सेशंस मिलेंगे, प्रीवियस सेशंस मिलेंगे, ठीक है, ओके साहिल। डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, बच्चों पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है इसको देखें। सो पैरामेट्रिक फंक्शन का मतलब है कि आपको y और x जो है ना वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब x इज गिवन इन टर्म्स ऑफ सम फंक्शन t एंड y इज आल्सो गिवन एज सम फंक्शन t, और आपको यहां से पूछ लिया जाएगा कि dy by dx निकालिए, ओके, यहां से पूछा जाएगा dy by dx निकालिए। तो एग्जांपल के तौर पे ले रहे कर रहे हैं, लेट अस से x को दिया हुआ है मुझे कुछ भी a t स्क्वायर और y को दिया हुआ है मुझे 280, तो आप सब लोग देख रहे हैं x क्या दिया इन टर्म्स ऑफ t दिया हुआ है और y भी इन टर्म्स ऑफ t दिया हुआ है और मुझे निकालना है dy by dx, ओके। तो यहाँ बहुत सिंपल सी बात यह है कि x इज डिपेंडेंट ऑन t, तो यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट भी किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, t के रिस्पेक्ट में करूंगा, और यहां से मुझे dx by dt मिलेगा, क्या मिलेगा dx by dt, a तो कॉन्स्टेंट है, t स्क्वायर का क्या होगा 2t हो जाएगा, जैसे x स्क्वायर का 2x होता है, t स्क्वायर का क्या होगा 2t। इसको भी मैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी करूंगा क्योंकि y इज डिपेंडेंट ऑन t, तो बेटा यहां से dy by dt मिला, dy by dt क्या मिला मुझे 2a into 1, t का डेरिवेटिव क्या हुआ 1 हुआ। तो ये थ्योरम है एक, तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहता है dy by dx इज इक्वल टू dy by dt अपॉन dx by dt, ये एक थ्योरम है, क्या कहता है dy by dx इज इक्वल टू dy by dt upon dx by dt। थ्योरम प्रूफ के लिए पूछा जाता है, राइट? आप सबको मैं वो थ्योरम है ना शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी आपके टेलीग्राम चैनल पे, जो मैथ्स का टेलीग्राम चैनल है, आप सब लोगों ने ऑलरेडी वो देखा होगा थ्योरम्स, राइट? मैं फिर से शेयर कर देता हूँ अभी विद इन अ मिनट और टू, ताकि आप टेलीग्राम चैनल जो है हमारा महाराष्ट्र नून एकेडमी का 12th का, राइट, उस पर मैं शेयर कर देता हूँ, तो आप लोग आराम से इन सारी थ्योरम्स को कर सकते हो, इन सारी थ्योरम्स को प्रिपेयर कर सकते हो बच्चों। देखो मैंने भेजा है ना, ओके, मैंने भेज दिया आपको, ठीक है, टेलीग्राम चैनल, ओके, सुना आयुष आएगा बेटा, है ना, नेक्स्ट टेलीग्राम, नेक्स्ट जो थ्योरम का है ना वो कल, मतलब आज भी आएगा कल भी आएगा, डोंट वरी, ओके बेटा। टेलीग्राम की लिंक मैंने ऑलरेडी फीड में डाल रखी है, तो बात ऐसी हो रही थी, देखा, तो x इज इन टर्म्स ऑफ t, तो यहां से dx by dt आएगा, y इज इन टर्म्स ऑफ t, यहां से dy by dt आएगा, सो दिस इज अ थ्योरम, सो dy by dx इज इक्वल टू dy by dt अपॉन dx by dt। तो यहां पे इन दोनों का रेशियो हम आंसर में लेंगे, तो हमारा जो ग्रीन कलर का क्वेश्चन चल रहा था, राइट, तो इसका आंसर क्या होगा, देयरफॉर dy by dx इज इक्वल टू dy by dt व्हिच इज 2a अपॉन 2at, तो आंसर मेरा 1 by t आ गया है ना, 2a 2a कैंसिल और आंसर क्या हो गया 1 by t आ गया है, अंडरस्टूड, ठीक है, ऐसे करना है,
ठीक है। अब ये सैयद पूछ रहा है मुझे कि सैयद पूछ रहा है मुझे कि जी क्या है, एफ क्या है। देखो क्वेश्चन में समझ में आया एक्स के आगे क्या लिखा है। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल जब मैं ले रहा हूँ, आप ध्यान से देखो एक्स के आगे क्या लिखा है, ए टी स्क्वायर। तो एफ ऑफ टी हो गया ए टी स्क्वायर, अंडरस्टूड। फिर उसके बाद में वाई के आगे क्या लिखा है, 280। तो जी ऑफ टी हो गया 280। फंक्शन ऑफ टी, जी भी एक फंक्शन ऑफ टी है। हर फंक्शन का नाम एफ नहीं होता, हर लड़के का नाम अंकुश नहीं होता, है ना, वैसी बात है। हर फंक्शन का नाम अलग अलग होगा, एफ ऑफ टी, जी ऑफ टी, एच ऑफ टी, ऐसे हो जाता है। तो बच्चा लोग, सब लोग समझ गए पैरामेट्रिक फंक्शन में क्या करेंगे ना, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन में क्या करेंगे। एक थ्योरी लिख दो फटाफट, थ्योरी लिख दो अभी आप, है ना। सब लोग समझ गए हो, बहुत सिंपल था, बहुत ही सिंपल है। हमको वाई इन टर्म्स ऑफ टी दिया होगा तो हम यहाँ से डीवाई बाई डी टी निकालेंगे। हमको एक्स इन टर्म्स ऑफ टी दिया होगा, यहाँ से क्या करेंगे, डीएक्स बाई डी टी निकालेंगे। देन देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, ओके बच्चों, एग्जाम्पल में बहुत सारा समझेगा विशाल, एक्सप्लेन मोर, राइट। देखो सब लोग देख लीजिए कैसे कैसे करने वाले। हमको एक्स इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल टी दिया होगा, जिसको हम पैरामीटर बोल रहे हैं। वाई इन टर्म्स ऑफ टी दिया होगा, ठीक है, और हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। तो पहला वाला पार्ट देगा डी वाई बाई डी टी, दूसरा पार्ट देगा डीएक्स बाई डी टी, और इनका रेशियो इज नथिंग बट डी वाई बाई डी एक्स। यही निकालने के लिए हम आए हुए हैं, इनका रेशियो क्या है, डी वाई बाई डी एक्स होगा। लिख लीजिएगा बच्चा लोग, लिख लीजिएगा फटाफट, लिख लीजिएगा। समझा, बहुत बढ़िया बेटा। अब एग्जाम्पल्स करेंगे हम। सो नाउ लेट्स बिगिन विद एक्सरसाइज 1.4, एक्सरसाइज 1.4, ठीक है। निपुण क्या है लास्ट स्लाइड में, देखो ये करने वाले और आगे हम। निपुण ओके, चलो स्टार्ट करें फिर एग्जाम्पल्स अब। हाँ ये देखो, यही क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया था, एक बार फिर करते। यहाँ पे एक्स 80 स्क्वायर दिया है, वाई 280। तो हमें दिख रहा है कि एक्स इन टर्म्स ऑफ टी है, तो हम डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से डीएक्स बाई डी टी आएगा, क्या आएगा, डीएक्स बाई डी टी, ए वैसा ही है, टी स्क्वायर का 2t हो गया। इसको भी डिफरेंशिएट करोगे बच्चों विथ रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ से डीवाई बाई डी टी आएगा, क्या आएगा, 2a आएगा। सो देयर फोर नाउ ना डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी। 2 मार्क का होगा तो ये फॉर्मूले पे भी 1 मार्क होता है। डी वाई बाई डी टी क्या है हमारे पास, 2a, तो हमने 2a लिखा। डी एक्स बाई डी टी क्या है बेटा हमारे पास, a इंटू 2t, 2 और 2 कैंसिल ना, ऊपर नीचे देखो कुछ कुछ चीज कैंसिल हो रही है, जो जो सेम है, 2 और 2 कैंसिल, a और a कैंसिल। तो क्या बचा है हमारे पास, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/t। दिस इज अवर आंसर, ये हमारा आंसर हो जाता है, राइट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना, क्वाइट इजीली डन, QED। सब लोग अब लिख लीजिए आराम से, धीरे धीरे अगला अगला क्वेश्चन लेके जाते हैं। ये एक्सरसाइज 1.4 का ही क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.4 देख लीजिए, निकाल लीजिए सब लोग। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो साथ साथ में एक्सरसाइज भी निकाल के रखी है साइड में। अब एक्सरसाइज में बहुत क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, तो हम सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही लेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको ही हम कवर करेंगे, ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बच्चा लोग, कोई है जिसके लिए मुझे रुकना है, ये 2 मार्क्स के लिए अगर आएगा तो ओके। यस नेक्स्ट ना गणेश, बहुत अच्छे। चलो बच्चों थोड़ा सा है ना बढ़ाते लेवल को अपने। यहाँ पे एक्स दिया है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, एक्स दिया है ऐसा कुछ, और वाई दिया है लॉग ऑफ एम के टर्म्स में। यहाँ दोनों ही किसके टर्म्स में बच्चों, किसके टर्म्स में, चलो फटाफट बताइए किसके टर्म्स में है, एम के टर्म्स में है, वेरी नाइस, यस ओके। क्या है, एम के टर्म्स में, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एम करेंगे। सो डी बाई डी एक्स है ना, क्या डी एक्स बाई डी एम, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यस एफ ऑफ एक्स का होता है ना रूट, रूट का फंक्शन का क्या होता है, 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, ऐसे होता है बच्चा लोग, करेक्ट।
कंपोजिट फंक्शन है यहाँ पे, तो उसका डेरिवेटिव हमें पता है कैसे वर्कआउट होता है, ठीक है नाइस। तो ये क्या होगा, 1/2√a² + m² इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ a² + m² बट यहाँ पे जो भी डेरिवेटिव हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, m के रिस्पेक्ट में। ये आप समझ गए अच्छे से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप समझ गए बहुत ही सिंपल तरीके से। ओके बच्चा लोग, यहां तक बात समझ में आई है सबको। अब 1/2√a² + m² तो वैसे ही रह गया, ऊपर में जो a² + m² है इसको मुझे अभी भी डिफरेंशिएट करना है। ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चा, जीरो, क्योंकि ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है। और एम स्क्वायर का क्या होगा, 2m होगा, क्या होगा 2m होगा, एग्जैक्टली exactly. बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी नाइस। 2 और 2 कैंसिल, तो मुझे यहां से dx/dm मिल गया है विच इज m/√a² + m² पहला पार्ट सॉल्व हो गया। देखो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं 2-3 मार्क के लिए। बच्चा लोग समझ गए ना, वेरी नाइस वेरी गुड। नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट अभी क्या वाई है ना, वाई के बारे में बात करते हैं है ना। अब डायरेक्ट डायरेक्ट स्टेप भी कर सकते, डिपेंड करता है कितने मार्क्स का है। तो लॉग ऑफ a² + m² बच्चों इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, dy/dm जब करोगे, लॉग एफ ऑफ एक्स का क्या होता है, 1/f(x), मतलब 1/a² + m² इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ a² + m² नाइस। dy/dm इज इक्वल टू 1/a² + m² वैसे ही रह गया बच्चों, अगेन ए स्क्वायर का डेरिवेटिव जीरो और एम स्क्वायर का क्या होगा 2m, ऐसा हो जाएगा सर। सो dy/dm इज इक्वल टू m/a² + m² राइट। दोनों बातें समझ में आ गई सब लोगों को, बहुत अच्छे ओके बहुत ही बढ़िया, 2m है बराबर राइट, 2m वेरी नाइस पीयू ना। तो dx/dm आ गया मेरा, dy/dm आ गया, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है सोहेल, dy/dx लगाना है। तो यूजिंग dy/dx इज इक्वल टू dy/dm/dx/dm, इन दोनों के मेरे पास आंसर है सर। dy/dm क्या था, 2m/a² + m² 2m/a² + m² और dx/dm क्या था, m/√a² + m² हाँ श्रुति हाय बेटा गुड इवनिंग। m और m कैंसिल और ये ऊपर चला गया, तो क्या आ गया, 2√a² + m² / a² + m² सर ऊपर और नीचे दोनों टर्म सेम है कि नहीं, दोनों टर्म सेम, बट ऊपर में स्क्वायर रूट है और नीचे स्क्वायर रूट नहीं है, नीचे पूरा टर्म है, तो ये क्या हो जाता है, 2/√a² + m² देयरफॉर आई कैन से dy/dx इज 2/√a² + m² दिस इज अवर आंसर, ये हमारा आंसर हो जाता है। गॉट इट, अच्छा लोग समझ गए हो, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, यस। अच्छा किसी ने ये ध्यान दिया कि सर ये √a² + m² जो था यही तो x था, तो मैं आंसर को एक्चुअली 2/x भी लिख सकता हूँ। क्यों 2/x लिख सकता हूँ समझ में आ रहा है, क्योंकि √a² + m² जो है ना वही तो x था। विशाल मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्या, थोड़ा एक्सप्लेन करो, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ ओके ठीक है ना। अरे कोई बात नहीं विशाल, सॉरी वाली बात नहीं है बेटा, नहीं समझ में आया तो नो लिखो, कोई बात नहीं मैं आराम से बताता हूँ। लेट्स सी है ना विशाल पीयू एवरीवन, सॉरी वाली का कोई चक्कर नहीं बेटा है ना, कोई बुरा नहीं लगा मुझे। लेट्स सी वन मोर टाइम, चलिए फटाफट पूरा देखते हैं, हमेशा ऐसे ही करा करेंगे, पूरा एक बार कर लेंगे आराम आराम से, फिर एक बार और देख लेंगे। तो कुछ बच्चे ना जिनको जो लिख रहे हैं वो लिख भी सकते हैं साथ साथ में। ये सक्षिता देखिए, हमें दिया था x = √a² + m² तो ये जो फंक्शन है रूट वाला इसका डेरिवेटिव कैसा होता है, तो हमने बताया यहाँ पे कि डेरिवेटिव इस तरह होता है, तो ये हो जाएगा 1/2√a² + m² इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ a² + m² ये बात समझ में आई बच्चा है ना ठीक है। अब सर इसका डेरिवेटिव बचा है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2m होगा, तो पहला पार्ट 2 और 2 कैंसिल, तो dx/dm मुझे मिल गया है, dx/dm मुझे मिल गया। विशाल समझ में आया बेटा अभी, dx/dm क्या हो गया m/√a² + m² हो गया ओके
ठीक है, हाँ वेरी नाइस। अब वाई वाली चीजें देखते हैं। तो वाई ये था बेटा, तो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है? लॉग का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एम, तो डीवाई बाई डी एम इज इक्वल टू लॉग का होता है 1/x, तो 1/a² + m² होगा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ a² + m², ठीक है, ओके ऐसा हो जाएगा। अब इसके बाद में है ना, ठीक है, इसके बाद में a² तो कांस्टेंट है, ये m का डिफरेंशिएशन है, m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है बेटा, ठीक है, m m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। अब a² + m² का डेरिवेटिव क्या होगा? a² तो कांस्टेंट और ये हो जाएगा 2m, ठीक है ज्योति, ओके ऐसा हो गया। तो 2m/a² + m² ये हमारा dy by dm हो गया। पक्का दोनों दोनों आंसर्स आ गए सबको? विशाल, ज्योति, अक्षिता, एवरी वन ऑफ यू, दोनों आंसर आ गए। अब कुछ नहीं करना है, बस दोनों का रेशियो लेना है, क्योंकि हमें पता है नेक्स्ट नेक्स्ट जो है dy by dx, तो ये हमारा वो फॉर्मूला है, dy by dx इज dy by dm अपॉन dx by dm। तो जो उनके आंसर्स आए थे बस उनको रखा, ठीक है, और रखने के बाद मुझे दिख रहा है कि ये कट हो सकता है m और m। अब m और m कट हुआ तो ये जो डिनोमिनेटर में भी रेशियो है बेटा ये जाके ऊपर आ जाता है, ये बात पता है ना आपको, जाके ऊपर आ जाता है। तो ये 2 तो पहले से बचा हुआ था, √a² + m² / a² + m² अब ये दोनों दोनों फोटो सेम है, a² + m² ऊपर भी है नीचे भी है, बस तो ऊपर रूट है और नीचे पूरा नंबर है, पावर 1 है। तो आप इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हो, पता है ये बात, एंड देयरफॉर वी गेट आवर आंसर रिक्वायर्ड, ये हमारा आंसर है। और आखिर में मैंने क्या कहा कि एक्चुअली सर ये जो √a² + m² यही x है, तो आई कैन ऑल्सो राइट द आंसर इज 2/x। इज इट क्लियर नाउ बच्चा? ठीक है, एवरी वन गॉट इट नाउ? ओके वेरी नाइस, वेरी गुड एवरी वन, ओके लिख लिया। अच्छा इसका बहुत ही छोटा स्टेप बताओ, एक स्टेप में करना है आपको इस क्वेश्चन को, एक स्टेप में, ओके चलो भाई सबका मन है तो बता देते हैं हम लोग भी। क्वेश्चन क्या है देखो, x = √a² + m² है ना, क्या दिया है, x = √a² + m² एंड y = log(a² + m² ऐसा क्वेश्चन है मेरा। बच्चों यहां से बताओ मुझे x² क्या होगा, x² क्या होगा, करेक्ट x² यही होगा, समझ रहे हैं सब लोग? तो बेटा y = log(a), इसको मैं x² नहीं लिख सकता फिर, यही तो है x² है ना, धड़ाम राइट, बत्ती जली। तो क्या मैं इसको लॉज ऑफ लॉगरिथम के हिसाब से इसको 2 log x लिख सकता हूं, क्योंकि x² का आगे 2 आ गया। अब डिफरेंशिएट कर लो, 2/x इज माय आंसर, यही तो आया था सर, इतना घुमा फिर आगे क्यों बताया सर, ये तो बड़ा आसानी से हो गया। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ ऐसा कर सकते हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं कर सकते, कुछ भी गलत नहीं है इसमें, सही है ये, राइट, बस आपको समझना चाहिए। बहुत ही आसान कथा ना, ओके नाइस गुड। तो इट डिपेंड्स है ना कितना जल्दी आपको क्या क्लिक होता है उस पे, है ना, ये सारा चीज है, ठीक है। तो हमने लंबा अप्रोच भी देखा जिसमें हमने दोनों dx/dm dy/dm निकाला और रेशो निकाला, हमने एक बहुत ही छोटा सा अप्रोच भी देखा, और दोनों ही बोर्ड्स के लिए अप्लीकेबल, दोनों ही बोर्ड्स के लिए पूरी तरीके से अप्लीकेबल, ओके नहीं मार्क्स वार्क्स नहीं काटेगा बेटा, कोई कुछ नहीं काटेगा, ठीक है, कोई मार्क्स नहीं कमोगे। हाँ क्वेश्चन में अगर लिखा हो कि विद रिस्पेक्ट टू पैरामेट्रिक तो फिर आपको वही मेथड करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं लिखते कभी, है ना, 2-3 3 मार्क्स के लिए आ सकता है क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ो बेटा आगे क्लास को, शुड बी गो अहेड, सबने लिख लिया, दिस इज मेथड 2। श्रुति क्या बोल रहा है? नो सर समझ नहीं आया क्या लिखना? हाँ लिखा नहीं, लिख लो फटाफट। हाँ बेटा दीपू सफिशियंट है, क्यों नहीं, पूरी तरीके से सब सफिशियंट है ये, सब सही किया है हमने, तो क्या दिक्कत है। लिख लिया श्रुति, आगे बढ़ू?
ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा कुछ है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा कुछ है, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू पी प्लस 1/t पावर ए एंड वाई इज इक्वल टू ए पावर टी प्लस 1/t, ठीक है, ऐसा कुछ है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है, इनको डिफरेंशिएट करना है, क्या करें, क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए बच्चा लोग? सेकंड भी हो गया, बहुत अच्छे, ओके, बहुत सही बोल रहे हो, है ना। क्या करना चाहिए सर हमको? dx by dt निकालना चाहिए और dy by dt निकालना चाहिए, सही बात है, ओके। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर लॉग ले ले, क्या ले सकते हो, है ना, लॉग भी ले सकते हो, कुछ पावर सेम ऐसा नहीं, तो सिंपल सिंपल बात करते हैं, चलो एक एक करके सिंपल सिंपल बात करें। बच्चों ये किसके जैसा है, क्या आप समझते हो, ये एक्स पावर एन की तरह है। यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करूंगा, यहाँ पे पावर कांस्टेंट है ना बेटा लोग, बच्चा लोग, पावर कैसा है, कांस्टेंट है, अंडरस्टूड। अगर पावर कांस्टेंट है आपका, है ना, पावर कांस्टेंट है, एक बार है ना फटाफट ऊपर से लेते हैं पूरा, तो एक्स इज इक्वल टू हमारा जो क्वेश्चन था, एक्स इज इक्वल टू टी प्लस 1/t पावर ए, ये जो है ये फॉर्मूला जो लगेगा एफ ऑफ एक्स पावर एन की तरह, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है एन एफ ऑफ एक्स पावर एन माइनस वन इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। तो डीएक्स बाई डी टी भी क्या होगा, सो डीएक्स बाई डी टी विल बी ए आगे आएगा टी प्लस 1/t, टी प्लस 1/t पावर ए माइनस वन इंटू डिफरेंसिएशन ऑफ टी प्लस 1/t। समझ आई क्या जनता को मेरी बात, जनता को मेरी बात समझ में आई पूरी पूरी, बहुत अच्छे, यस बहुत अच्छे, वेरी नाइस वेरी नाइस, ओके। अभी पूरा काम नहीं हुआ है, डीएक्स बाई टी विल बी इक्वल टू ए टी प्लस 1/t, वैसे ये डिफरेंसिएशन बचा है, टी का डेरिवेटिव क्या होगा, टी का डेरिवेटिव क्या होगा वन, और 1/t का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, 1/x का फॉर्मूला याद रखा है, 1/x का क्या होता है बच्चों, लिखो फटाफट लिखो फॉर्मूला क्या होगा इसका, 1/t का डेरिवेटिव क्या होगा, क्या होगा, माइनस 1/t2। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, ये हमारा पहला पार्ट हो गया है, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं था, बड़ा इजी था। सेकेंड पार्ट, यस, है ना, गौरी अगर दिख नहीं रहा है ना बेटा तो एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर, है ना, दिखेगा। वाई वाई क्या था, ए पावर टी प्लस 1/t, ये किसके जैसा है पता है, ये किसके जैसा है, ए पावर एफ ऑफ एक्स की तरह, ए पावर एफ ऑफ एक्स की तरह, पता है ना क्या होता है ए पावर एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन यूजिंग, तो इट विल बी ए पावर एफ ऑफ एक्स लॉग ए इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक, यस बहुत अच्छे। तो इसका भी क्या होगा, तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ए पावर जो है वो एज इट इज रहेगा इंटू लॉग ए आएगा इंटू डिफरेंसिएशन ऑफ टी प्लस 1/t, ठीक है, समझे बेटा, रियू वापस कर लेंगे, एक बार कंप्लीट कर रहा हूं मैं, सब लोगों को ये स्टेप समझ में आया, ए पावर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हुआ, है ना, ठीक है, वेरी नाइस, ओके। सो देयरफॉर नाउ ना डी वाई बाय डी टी हमारा आ गया है अगले स्टेप में, तो डी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू ए पावर टी प्लस 1/t लॉग ए इंटू 1 माइनस 1/t2, है ना, वो जो डेरिवेटिव था, ये जो डेरिवेटिव है क्या है, 1 माइनस 1/t2, ओके। अब सर मेरे पास दोनों है, dx by dt भी है, dy by dt भी है, तो therefore now dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt, ठीक है, dy by dt upon dx by dt, dy by dt का फॉर्म आंसर क्या आया, a पावर t प्लस 1/t इनटू log a 1 माइनस 1/t2 डिवाइड बाय dx by dt का जो आंसर है वो लिख लेते हैं, तो क्या आंसर है मेरा dx by dt का, ये पूरा आंसर है, ठीक है, तो a t प्लस 1/t
इंटू वन माइनस वन बाय टी स्क्वायर, ऐसा मेरा आंसर है बच्चा लोग, ऐसा क्या है मेरा आंसर है, ए माइनस वन है ना पावर में ए माइनस वन, ठीक है यहां पावर में है ए माइनस वन, समझे बात? यस। अब कुछ कट हो रहा है क्या, कुछ ऊपर नीचे से कट हो रहा है, ये और ये कट हो जाएगा, ठीक ये और ये कट हो जाएगा। पीयू क्या नहीं समझ में आया बेटा, बस यहाँ लिखा है मैंने, जो भी हमने दोनों लाए हैं ना फॉर्मूले उनका सिर्फ रेशियो लिया है, डीवाई बाई डी एक्स इज रेशियो ऑफ द टू टर्म्स, तो डीवाई बाई डी टी जो था वो लिख दिया यहाँ पे, डीएक्स बाई डी टी जो था वो लिख दिया यहाँ पे, ओके जो हमने निकाल के रखा है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर क्या आएगा, जिनको नहीं समझ में आया डोंट वरी, हम लोग एक बार फिर देखेंगे, ए पावर टी प्लस वन बाई टी इंटू लॉग ए अपॉन ए इंटू टी प्लस वन बाय टी पावर ए माइनस वन, दिस इज माय आंसर, ये क्या हो गया मेरा आंसर हो गया है, ओके अब जिन जिन को जो जो नहीं समझ में आया एक बार देखिए, यस वो है ना वो इंपॉर्टेंट है, यस बेटा फटाफट देखिए बच्चों, जिन जिन को समझ नहीं आया प्लीज 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 ध्यान दीजिएगा, सबको ही पता है एक्स ये दिया हुआ है, एक्स ये दिया हुआ है, तो इसको डिफरेंशिएशन जब मैं करूंगा है ना बेटा, जिस जिसको समझ नहीं आया एक बार नो लिखो प्लीज, कितने लोग हैं जिनको कुछ समझ नहीं आया है एक बार नो लिखिए, चलो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा, गौरी है ना, करण, रियु, शुभांगी, ज्योति, मोनाली, साक्षी, ओके सब लोग देखो बेटा, ओके सब लोग देखो अच्छे से, तो x की ये दी हुई है डेफिनेशन t प्लस वन बाई टी पावर है, तो ये कैसा है फंक्शन पावर कांस्टेंट, मतलब f ऑफ x पावर n का डिफरेंशिएशन निकालना है मुझे, तो डेरिवेटिव कैसा होता है, n मतलब a, a आगे आया t प्लस वन बाई टी पावर a माइनस वन हो जाएगा इंटू इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ये जो f होता है ना t प्लस वन बाई टी, ये स्टेप समझ में आई बेटा सबको, ठीक है ये सब समझ में आई सबको, ठीक है नाइस है ना बहुत अच्छे, ओके अब इसके बाद t प्लस वन बाय टी का डेरिवेटिव बचा हुआ है सर, तो t प्लस वन बाय टी का डेरिवेटिव क्या होता है वन माइनस वन बाय टी स्क्वायर, ठीक है तो बाकी जो चीज है वो एज इट इज ले ली, a इंटू टी प्लस वन बाय टी पावर a माइनस वन इंटू वन माइनस वन बाय टी स्क्वायर, तो ये हमारा dx बाय dt हो गया। श्रुति और शेख आप शायद गलत टाइम पे आ गए हो है ना, ये जो है ये नॉर्मल क्लास है, क्वेश्चन बैंक वाला क्लास 9:30 को होता है ना, यस क्वेश्चन बैंक 9:30 को सॉल्व किया जाता है, बहुत अच्छे हिमानी थैंक्स यार, ओके सबको dx / dt आ गया, रियु dx / dt आ गया, ठीक है साक्षी dx / dt आ गया, करण dx / dt आ गया, सब लोगों को dx / dt जम गया, अब y की बारी है, y की बारी है, ठीक है तो y इज इक्वल टू a पावर t प्लस 1 / t, ये कौन से फंक्शन की तरह है बेटा, a पावर f ऑफ x, यहां मैंने फॉर्मूला लिखा है a पावर f ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a पावर f ऑफ x इनटू log a इनटू f डैश ऑफ x, a पावर t प्लस 1 / t वैसे ही रहा, log a इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ t प्लस 1 / t, इसका डेरिवेटिव करना बाकी है, करेंगे हम इसका डेरिवेटिव अगले स्टेप में, तो a पावर t प्लस 1 / t वैसे ही रह गया, log a वैसे रह गया और इसका डेरिवेटिव आया 1 माइनस 1 / t स्क्वायर, बस हो गया डिवाइड बाय dt भी निकाल लिया, अपने जो दोनों चीजें निकाली ना बस उसका रेशियो लेना है बेटा हमें, दैट इज आवर फाइनल आंसर, ओके रियो तो dy by dx is nothing but dy by dt upon dx by dt, जो हमारे आंसर्स आए हैं बस उनको रखा और जो जो सेम है वो चीज कट कर दी, बचा हुआ चीज हमारा बच गया है ना, दैट इज आवर आंसर, एम आई ओके बेटा, इज इट डन नाउ प्रॉपरली, समझ में आई है सारी बात आपको, ओके गौरी नाइस ना, करण समझ गया, ओके साक्षी, पीयू, रियू, एवरीवन, मोनाली गुड, यस कंप्लीट कर लीजिए, आप बेझिझक पूछ सकते हैं मुझे 10 बार भी, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन है ना जितना आराम से हो सकता है, और बेटा जिन बच्चों का स्पीड ज्यादा है ना वो लोग बाकी क्वेश्चंस करते रहिए, आगे आगे बढ़ते रहिए, साथ साथ में एक्सरसाइजेस आप है ना लगाते रहिए खुद से, ओके क्योंकि देखो दो तरह के बच्चे हैं यहाँ पे है ना, कुछ लोग जल्दी समझ जाते हैं और कुछ लोग जो है थोड़ा धीरे धीरे, तो बेटा टीचर की जरूरत ज्यादा किसे है जो धीरे धीरे समझता है, राइट तो आई हैव टू बी विद देम, ठीक है हाँ, y सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बेटा, यस a पावर t प्लस 1 बाय t को y सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, t प्लस 1 बाय t पावर a को x सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दैट कैन बी डन, पीछे अलग दिया है तो y और x में दिया होगा फिर आंसर, राइट
ज्योति, तो यस जो ओरिजिनल क्वेश्चन है ना उससे हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वाई का डेफिनेशन क्या है, एक्स का डेफिनेशन क्या है, वो हम डाल सकते हैं। करना है क्या वैसे? ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में ये सेकंड है। हाँ, पीडीएफ मिल जाएगी ना। ठीक है, नेक्स्ट ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्वेश्चन। एक्स इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा, ए थीटा में है राइट, मतलब एक्स थीटा में है और वाई भी थीटा में है, तो हम लोगों को यहाँ डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा? विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो डी वाई बाय डी थीटा इज इक्वल टू, हाँ प्रीवियस ईयर है एग्जैक्टली, डी वाई बाय डी एक्स बाय डी थीटा क्या होगा? ए कॉन्स्टेंट है, कॉस क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? फटाफट कॉस क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? आता है बहुत सारे लोगों को, कॉस क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? यस, 3 cos² थीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा, ये नहीं भूलना है आपको, सही बोल रहा हूं मैं? यस राइट, कॉस क्यूब थीटा क्या हो जाएगा कि 3 cos² थीटा इंटू कॉस थीटा का डेरिवेटिव। बेटा डीएक्स बाई डी थीटा निकल गया, क्या निकलेगा? 3 cos² थीटा इंटू -sin θ। ये मेरा पहला पार्ट हो गया है, सब लोग समझ गए मेरा पहला पार्ट? सब लोग समझ गए मेरा पहला पार्ट? ओके नाइस गुड ना, साक्षी रियू आप लोग समझ रहे हो बेटा? ठीक है, बहुत अच्छे मुनाली, नाइस। ओके नेक्स्ट, वाई क्या दिया बेटा? वाई ए साइन क्यूब थीटा, ए साइन क्यूब थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा क्या होगा? ए वैसे ही है बेटा, साइन क्यूब का डेरिवेटिव क्या, साइन क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? 3 sin² थीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा, क्योंकि साइन क्यूब में आप पहले क्यूब का डेरिवेटिव कर रहे हो, और क्यूब क्या होता है? 3x² ऐसे, और फिर बाद में अंदर साइन का डेरिवेटिव, कंपोजिट फंक्शन है ये। तो बच्चों dy बाय d थीटा क्या हो गया? a इनटू 3 sin² थीटा, साइन का होता है कॉस। तो ये सेकेंड पार्ट भी हमने निकाल लिया, दोनों पार्ट हमारे निकल गए हैं। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा? यूजिंग फॉर्मूला कौन सा? dy by dx is equal to dy by d theta upon dx by d theta। बहुत ही सिंपल है ना ये सब, है या नहीं? मुझे तो बहुत सिंपल लग रहा है ये। dy by d theta क्या है? 3a sin² cos, 3a sin² cos। ओके, नीचे नीचे जो dx by d theta है वो रेड में लिखा है मैंने, वो क्या है? 3a cos² minus sin, 3a cos² minus sin, तो माइनस साइन का माइनस मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, ऐसे आ गया। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ कुछ चीजें कैंसिल हो रही है, 3a कैंसिल, बच्चों एक साइन भी कैंसिल होगा और एक कॉस भी कैंसिल होगा। ऊपर में क्या बचेगा? एक साइन बच जाएगा, नीचे में क्या बचेगा? एक कॉस बच जाएगा और माइनस, तो -tan θ आता है मेरा dy by dx। बट यही पे है ना, यही पे काम खत्म नहीं हुआ, हमें क्या बोला है पता है क्वेश्चन में? एड पाई बाई थ्री बोला गया है, तो पूरा डिफरेंशिएशन होने के बाद मुझे पुट करना पड़ता है थीटा को पाई बाई थ्री, पहले नहीं कर सकते, क्या करना है? लास्ट में। सो डीवाई बाई डीएक्स इज -tan π/3, क्या होता है tan π/3 बच्चा लोग? यस, तो √3, तो आंसर क्या हो मेरा? -√3। यस अगेन अ क्यूईडी है ना, क्वाइट इजिली डन, तो -√3 बिकम्स अवर आंसर। ओके बच्चों, यस आयुषन, -√3 एंड क्यूईडी। अभी भी बताओ कितने लोग हैं जिनको नहीं समझ में आया है? जिनको नहीं समझ में आया वो नो लिखते रहे आफ्टर एवरी क्वेश्चन, यू कैन राइट नो इफ यू हैवंट अंडरस्टूड, रिपीट करना है राइट, हेंस प्रूफ तो नहीं है ज्योति, ये प्रूफ नहीं करना था। ठीक है, रिपीट कर लेते हैं। देखो जितने लोग समझ नहीं रहे हैं या जितने लोगों को और देखना है, देख लो बेटा, एक्स इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा ये दिया हुआ है हमें। ठीक है, ए कॉस क्यूब थीटा को डिफरेंशिएट करना है, ए कॉन्स्टेंट है, कॉस क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? क्यूब फंक्शन पहले होगा, 3 cos² इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस, कॉस क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो? एक्स क्यूब की तरह, तो 3 cos² और फिर कॉस का डेरिवेटिव बाद में, और कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। तो ये पहला पार्ट हमारा हो गया। ठीक है शरीक, अब वाई इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे,
तो ये क्या होगा, एक्स क्यूब की तरह है ए, वैसे ही थ्री साइन स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन। ठीक है, ये भी मिल गया मुझे, दोनों मिल गया, बस रेशियो लेना है बेटा इनका, आगे की चीज तो कर सकते हो बड़े आराम से। ओके, इसका रेशियो लोगे जो जो सेम है वो कट कर देंगे, बस बात खत्म। बाद में थीटा को पाई बाय थ्री रखना है आखिरी में। तो ए बी की जगह आप नंबर्स देखा करो, है ना हिमानी, जब भी आपको ऐसे लगते हैं तो दिमाग में रख लो ए बी की जगह ए को हमेशा टू देखते रहना, बी को हमेशा थ्री देखते रहना जब सॉल्व कर रहे हो तो दिमाग में, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं ऐसे ही करता हूँ, जब भी ए दिखता है तो मैं उसको टू की तरह देख रहा होता हूँ, ऐसे देख लिया बच्चा लोग। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड ये वाला लिख लो, सॉल्व करते रहो प्लीज, सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनशॉट ना लीजिए, उससे प्रैक्टिस नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। यस, इसी का फोर्थ क्वेश्चन है, देखिए 1.4 का ही फोर्थ क्वेश्चन है। आप टिक करते जाइए, मतलब बुक में जो जो भी आपने किए सॉल्व, एक्सरसाइज 1.4 कर रहे हैं हम, पेज नंबर 48 टेक्स्ट बुक में। अब यहाँ पे क्या दिया है, एक्स इज इक्वल टू 2cos t + cos 2t, डिफरेंशिएट करना है, स्टार्ट करें विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा 2cos t। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, है ना, करेक्ट। तो पहला पार्ट क्या हो जाएगा, टू तो वैसे ही रहेगा, माइनस साइन टी प्लस अगेन कॉस 2t है, कॉस 2t का क्या होगा, माइनस साइन 2t इंटू टू आएगा, इंटू टू समझता है ना क्यों आ रहा है, सबको समझ रहा है इंटू टू क्यों आ रहा है। ओके यस, बहुत अच्छे, कंपोजिट है, वेरी नाइस। तो dx by dt इज इक्वल टू -2 sin t - 2 sin 2t, ऐसा मेरा आंसर आया है पहले पार्ट का। ओके, अब y वाली बात है, y y की बात करते हैं, y इज 2 sin t - sin 2t, बताओ क्या होगा इसका डेरिवेटिव, dy by dt इज इक्वल टू, नहीं समझा अक्षिता, ये वाला पार्ट देख अपने आप सब समझ जाएगा, ये वाला पार्ट देखो बेटा, 2 sin t तो आपको डिफरेंशिएट करना है, 2 तो वैसे ही रहेगा, साइन का रिलेटिव क्या होगा बेटा अक्षिता, कॉस हो जाएगा, साइन का रिलेटिव कॉस, माइनस अक्षिता बोलो बेटा, है ना, कॉस हो गया ना, साइन 2t का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन 2t का, तो पहले साइन का जो बाहर है तो वो क्या हुआ, कॉस 2t इंटू डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको 2t। अब समझ में आ रहा है अक्षिता, प्लीज देख बेटा अच्छे से ध्यान दे, है ना, क्या हो रहा है, अंदर का डेरिवेटिव करना बाकी रह गया, तो यहाँ पे हो जाता है dy by dt is equal to 2cos t माइनस ये 2t का आप डेरिवेटिव क्या हुआ 2, तो 2cos 2t। यस, सो दोनों चीजें निकल गई, dx by dt भी निकल गया, dy by dt भी। अभी भी जिनको समझ नहीं आ रहा है डोंट वरी, एक बार मैं रिपीट करूंगा आप लोगों के लिए, ना देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जिनके लिए मैं एक बार फिर पक्का रिपीट करूंगा। बहुत अच्छे बेटा, समझ गया। अब व्हाट आई नो, आई एम गोइंग टू यूज अ फॉर्मूला, ये यूजिंग फॉर्मूला लिखना है, ये वाला फॉर्मूला पे एक मार्क है आपका, डीवाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, दोनों रिजल्ट है मेरे पास, दोनों रिजल्ट लिखूंगा मैं, 2cos - 2cos, टू कॉस टी माइनस 2cos 2t, ये अपना ऊपर का पार्ट हो गया, नीचे का पार्ट -2 sin - 2 sin 2t, ये हमारा dy by dx आ गया। मुझे ज्यादा चिंता नहीं करनी है कि सर माइनस बाहर निकाल लूँ क्या, इतना सब सोचना नहीं, क्यों कि अल्टीमेटली मुझे एक वैल्यू पे चेक करना है इन सबको, t को क्या रखना है मुझे पाई बाय फोर, लेट अस पुट t इक्वल टू पाई बाय फोर, जहां जहां t है ना सब जगह पाई बाय फोर रख दो, तो अगर 2cos of π/4 माइनस 2cos of ये पाई बाय टू बन जाएगा, 2t है ना, पाई बाय टू बन जाएगा, डिवाइड बाय -2 sin π/4 -2 sin π/2। आप सबको वैल्यूज पता है, पाई बाय फोर की वैल्यूज कितनी होती है, पाई बाय फोर की वैल्यू कितनी होती है बच्चा लोग, पाई बाय फोर की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। यस, तो आंसर आ रहा है 2 × 1/√2 माइनस cos π/2 कितना होता है 0, कितना होता है 0, नीचे -2 × 1/√2 और ये -2, गॉट इट,
ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई कर दो बच्चों। क्या करें सिंप्लीफाई? नीचे से -2 बाहर निकाल लो। ओके सिंप्लीफाई कर दो तो क्या होगा, 2 × 1/√2, ठीक है, डिवाइड बाय -2 बाहर निकाला, 1/√2 -1, तो 2 और 2 कैंसिल। एलसीएम वगैरह ले लो तो इट कम्स आउट बी -1/√2, और आई कैन से 1/√2 -1, ओके 1/√2 -1, नहीं निगेटिव आएगा ना ऊपर, एक माइनस एक्स्ट्रा है बाहर। सबको कैलकुलेशन समझ में आ रही है या कर सकते हैं आप कैलकुलेशन? ऐसा आएगा है ना 1/√2 -1, ठीक है। एलसीएम एंड ऑल निकालो बेटा, कट वट करो तो 1/√2 -1। कोई चाहे तो इसको और क्या कर सकते हो, रैशनलाइज कर सकते हो। तो रैशनलाइज करोगे तो क्या होगा, √2 + 1 हो जाएगा मेरा आंसर। रैशनलाइज अगर करना चाहो आप तो रैशनलाइज समझ में आता है सबको, √2 + 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, गुड ओम, √2 + 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तब भी चलेगा। तो ये मेरा आंसर है √2 + 1। कितने लोगों को नहीं समझ में आया भाई ये पूरा क्वेश्चन? जितनों को नहीं समझ में आया नो लिखना है। ओके चलो देखो, एक बार देख लो सारे लोग फटाफट। एक्स इक्वल टू 2 cos t वगैरह दिया था हमने, डिफरेंशिएट किया ना, कॉस का रिलेटिव क्या होता है, -sin। ओके और cos 2t का क्या होगा, -sin 2t × 2 हो जाएगा। फिर आपने राइट उसको ऐसे लगा दिया, फिर यहाँ पे वाई वाला देखो डिफरेंशिएट सिंपल, तो 2 cos हो गया ये, sin 2t का क्या होगा, cos 2t × 2 आ जाएगा। फिर हमें पता है इसके बाद में dy/dx इज नथिंग बट dy/dt/dx/dt, ये हमारा फॉर्मूला। ठीक, फिर अब क्या, तो बस यहाँ पे जो भी थे हमारे रिजल्ट्स हमने लिख दिए, तो हमारा बन गया ये आंसर। अब मुझे टी को पाई बाय 4 रखना है, तो जहां जहां टी है वहां पाई बाय 4 रखो। ओके पाई बाय 4 रख के वैल्यू डालो, कॉस पाई बाय 4 कितना होता है, 1/√2, तो 2 1/√2 हो गया, माइनस ये 0 आ गया क्योंकि कॉस पाई बाय 2 0 है, के नीचे भी हमने डाला तो ये सब आ गया बेटा। अब मैं क्या करूँ, नीचे से -2 कॉमन निकाल रहा हूँ, नीचे से -2 कॉमन निकाला तो 1/√2 -1 है यहाँ पे, 2 और 2 तो कट गया लेकिन यहाँ माइनस बच गया है, तो माइनस आ गया यहाँ पे, ऊपर में 1 और नीचे में 1 - √2, एलसीएम निकाला है इसका, तो इस माइनस को हटाना पड़ा अगर मुझे, तो √2 - 1 हो जाएगा। इसके बाद में आप रैशनलाइज कर सकते हो, ये देखो √2 - 1 है, आपके पास क्या है 1/√2 - 1 है, तो मल्टीप्लाई बाय √2 + 1 डिवाइड बाय √2 + 1, तो इट विल बी नथिंग बट √2 + 1 ओनली, ऐसा हो जाएगा, इसको कहते हैं रैशनलाइज। ओके गौरी, करोगे तब भी चलेगा, नहीं करोगे तब भी चलेगा। हाँ रे हाँ यार, माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो जाएगा, बराबर बोल रहे हो, यस ये प्लस हो जाएगा, सही है, करेक्ट 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 ना, वो प्लस हो गया तो फिर ऊपर में अभी जो करेंगे सॉल्व तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। थैंक्स यार, सही बोला बेटा आपने। ठीक है ना, ओके समझ गए आप लोग, बहुत बढ़िया। कैलकुलेशंस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, कर सकते हो आप लोग खुद से भी कैलकुलेशंस, ठीक है यार, रैशनलाइज भी नहीं आता क्या? ओके 1/√2 + 1 ऐसा है, रैशनलाइज का मतलब होता है इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना। ये हो गया √2 - 1, ऊपर नीचे a + b a - b, ये क्या होता है, a² - b² √2 - 1/2 - 1, तो ये पूरा पूरा आया √2 - 1। इज इट ओके बेटा, सबको समझ में आई रैशनलाइज वाली स्टेप? पक्का, इसे कहते हैं रैशनलाइज करना। ओके नाइस गुड, तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, √2 - 1 आ जाएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलो ये क्वेश्चन क्या है, थर्ड का सेकंड है, सब लोग देख लो थर्ड का सेकंड क्वेश्चन। एक्स इज इक्वल टू ई पावर sin 3t एंड वाई इज इक्वल टू ई पावर cos 3t, ठीक है, और आपको अभी डिफरेंशिएट करना है और सारी चीजें देखनी है। ओके ये क्वेश्चन दिया है हमको, डीवाई बाई डी एक्स प्रूव करना है, कुछ क्या करना है, डीवाई बाई डी एक्स को कुछ प्रूव करना है। ओके बेटा आप लोग बताओ, आपको कैसे प्रूफ करने का मन है, मतलब ठीक है क्या लगता है, क्या करोगे आप, व्हाट विल यू डू?
लॉग करोगे, नाइस, टेकिंग लॉग, बहुत अच्छे बेटा। चलो सब लोग जो बोल रहे हैं हम वही करते हैं फिर, ना सब लोग जो बोल रहे हैं मैं भी वही करूंगा। ओके बेटा, तो सबसे पहले लॉग ले लिया मैंने, तो लॉग ऑन बोथ साइड, सो लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई पावर साइन थ्री टी। अब लॉग का बेस अगर ई है तो लॉग एक्स टू द बेस ई, और ये साइन थ्री टी आगे आ जाएगा, पता है आपको लॉग ई क्या होगा टू द बेस ई, क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा ना। यस, बहुत अच्छे। तो मेरे को, मुझे क्या मिला, लॉग एक्स टू द बेस ई इज इक्वल टू साइन थ्री टी मिला है, साइन थ्री टी मिला है। अब क्या करूं, ई के पावर में भी कर सकते हैं, क्यों नहीं ना कर सकते हैं। अब किसी ने बोला मुझे ऐसा करने के लिए तो मैंने कर दिया। ओके बेटा, अब हम डिफरेंशिएट कर ले फिर, अब हम डिफरेंशिएट कर ले, यस लॉग ही वन होता है। यस, तो अब अगर हमने डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वन बाय एक्स डी एक्स बाय डी टी, समझते हो आप, क्योंकि डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो लॉग एक्स का वन बाय एक्स तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में क्या आएगा, डी एक्स बाय डी टी आएगा। साइन थ्री टी का क्या होगा बेटा, कॉस थ्री टी इंटू थ्री, सब लोग ये भी समझ रहे हैं ना, कॉस थ्री टी इंटू थ्री। ओके वेरी नाइस, तो यहां से डी एक्स बाय डी टी कम्स आउट टू बी एक्स। ओके, तो आई कैन से डी बाय डी इज नथिंग बट थ्री एक्स कॉस थ्री टी, ऐसा आया है। वो एक्स को मैं दूसरे साइड लेके चला गया। पहला पार्ट हम सब ने बहुत बढ़िया किया, लॉग नहीं लिया तो भी होगा, ऐसा नहीं है, है ना, बहुत सारी मेथड होती है मैथ्स के, कमाली तो ये है पीयू कि आप बहुत सारे अप्रोच से लगा सकते हो, बट जो मैं कर रहा हूँ वो भी समझ में आया बेटा आपको। ओके चलो नेक्स्ट। ओके बेटा, अब वाई वाली बात है ना, तो वाई इज इक्वल टू ई पावर कॉस थ्री टी, अगेन आपने जो कहा वैसे ही लॉग लिया मैंने, तो लॉग वाई विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ ई पावर कॉस थ्री टी, अगेन वो तो लॉग वाई हो गया, और ये क्या है, कॉस थ्री टी आ गया, या सेम तरीके से लॉग ई, तो लॉग ई बेस भी ई है तो ये वन हो जाएगा, सो लॉग वाई इज इक्वल टू कॉस थ्री टी, ऐसा हो गया। सेम स्टेप्स, डिफरेंशिएशन करोगे किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, क्या होगा इसका डेरिवेटिव, वन बाय वाई डी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू, फटाफट बताइए कॉस थ्री टी का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस थ्री टी का डेरिवेटिव क्या होगा, क्या होगा, माइनस साइन थ्री टी इंटू थ्री। वेरी नाइस बेटा, बहुत अच्छे। तो यहां से डीवाई बाई डी टी कम्स आउट टू बी इक्वल टू माइनस थ्री वाई साइन थ्री टी, ऐसा आ गया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया काम। सो अब हम आते हैं आखिरी स्टेप में, यूजिंग, क्या आते हैं आखिरी स्टेप में, दोनों निकाल लिया है सर हमने, तो यूजिंग dy by dx is equal to dy by dt upon dx by dt, दोनों के आंसर्स रख देंगे, दोनों के आंसर्स जो है रख देंगे। तो dy by dx is equal to dy by dt क्या है मेरा, माइनस थ्री वाई साइन थ्री टी। ओके, और dx by dt क्या है, हम देखे पीछे जाके क्या है मेरा, थ्री एक्स कॉस थ्री टी है, थ्री एक्स कॉस थ्री टी है, थ्री और थ्री तो कैंसिल, dy by dx जो है मेरा वो क्या रहा है, माइनस वाई साइन थ्री टी अपॉन एक्स कॉस थ्री टी। लेकिन प्रूफ में क्या है, प्रूफ दैट है ना, ये सर लॉग एक्स लॉग वाई है। आप सबने ध्यान दिया कि लॉग एक्स क्या है एक्चुअली, इसको नंबर वन देख दिया अगर मैंने, लॉग एक्स क्या है, साइन थ्री टी, तो मैं साइन थ्री टी को लॉग एक्स लिख सकता हूँ, साइन थ्री टी को जहां साइन थ्री टी है वहां लॉग एक्स लिख सकता हूँ बेटा, बीच में एक स्टेप आया था ना, सब लोग बोलिए हाँ या ना। ओके यस, तो जहां साइन थ्री टी है मैं उसको लॉग एक्स लिख सकता हूँ, तो माइनस वाई ये हो गया लॉग एक्स। वैसे ये स्टेप देखिए, ये स्टेप, इसको मैंने टू नंबर दे दिया, कॉस थ्री टी को मैं लॉग वाई लिख सकता हूँ, यस है ना, हेंस हमारा फेवरेट स्टेटमेंट आ गया, हेंस प्रूव्ड, आप कह सकते हो फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू। ओके, क्या लगता है, 4 मार्क के लिए अगर ये आता है तो क्या लगता है, इजी, डिफिकल्ट और मीडियम, व्हाट डू यू फील, आप लोगों के मन में क्या आया इस क्वेश्चन को देख के। सर इजी है, डिफिकल्ट है, मीडियम है, इजी है, वेरी इजी, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अच्छा, ऐसा कोई बच्चा, ऐसा कोई बच्चा जिसको नहीं समझ में आया,
माइनस साइन आता है ना बेटे यहाँ पे, क्योंकि आप जब डेरिवेटिव लेते हो कॉस का तो माइनस साइन आता है ना, इसीलिए माइनस है। प्रूफ में भी माइनस है बेटा प्रज्वल। रियो कह रही है एक बार रिपीट भाई देख लो ना, एक बार रिपीट हो ही जाए। क्वेश्चन क्या दिया था, एक्स इक्वल टू ई पावर साइन, तो आप में से कुछ बच्चों ने कहा सर लॉग लेते हैं क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो ऊपर है, तो मैंने लॉग ऑन बोथ साइड्स लिया, दिख रहा है ये रियो ध्यान देना, लॉग लिया, लॉग लिया तो लॉग की प्रॉपर्टी के हिसाब से ये कैसा आगे आएगा, नीचे आ गया या आगे, और ये लॉग ही क्या हो गया वन हो गया, तो बना क्या लॉग एक्स इज इक्वल टू साइन थ्री टी। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे बेटा, तो log x का डेरिवेटिव है 1 by x, और फिर आगे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है तो dx by dt, sin का हो जाएगा cos, और 3t का भी डेरिवेटिव हो जाएगा 3, तो ये cos 3t into 3, ठीक है, तो x उधर चला गया, तो हमें dx by dt मिल गया 3x cos 3t, ठीक है रियू, ओके लिख भी लिया बच्चा लोग, तो लिखते रहो साथ साथ। अब नेक्स्ट y is equal to e power cos 3t, तो अगेन log on both sides दिया बच्चा, तो log on both sides लिया अगर मैंने, फिर cos 3t नीचे आ जाएगा उतर के, और ये 1 हो गया, तो log y is equal to cos 3t, अब differentiate किया बेटा, तो 1 by y dy by dt हो गया, और cos का derivative क्या होता है, minus sin, 3t का derivative 3, तो y उधर गया, ये भी मिल गया, अब बस दोनों का ratio लिया, क्योंकि यही होता है हमारा formula हमेशा, 3 3 cut, तो minus y by x और ये सब आया, तो sin 3t को मैं log x लिख सकता हूँ, और cos 3t को मैं log y लिख सकता हूँ, मैंने 1 और 2 दिया है numbering, and thus we proved what we needed, ठीक है, बड़ा आराम से हमने प्रूफ किया उसको जो चाहिए हमें। बच्चों एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करना है, बहुत इजी लगता है पीयूष, बहुत अच्छे, चलो एक ब्रेकआउट ले, शुड वी टेक अ ब्रेकआउट क्वेश्चन नाउ, ठीक है ना, और हमें ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, तो हम और 15-20 मिनट पढ़ने वाले हैं, ओके सो बी देयर बेटा पेशेंस के साथ और 15-20 मिनट, क्योंकि हमें एक्सरसाइज कंप्लीट करनी ही है आज, ओके चलिए एक ब्रेकआउट लेते हैं बिफोर दैट, तुक्का नहीं लगाना ब्रेकआउट में, सॉल्व करना, 37% बच्चों ने सही किया है, 37% बच्चों ने सही किया है इसको, अच्छा टाइम इनफ दिया था मैंने कि टाइम कम हो गया आप लोगों को, अभी भी वाज टाइम गिवन इनफ टू यू, ठीक है x is equal to a t minus sin t and y was equal to a 1 minus cos t, ये डिफरेंशिएशन करने बोला था आप लोगों को, ठीक है देखो किस किस ने सही किया भाई यहाँ पे, तो फाल्कन्स बहुत अच्छे 80%, गार्जियंस एड्रेलिन बहुत अच्छे, इनोवेटर्स हॉटशॉट ये सब तो गए यार, कुछ नहीं किया आप लोगों को, ठीक है ओके लेट्स सी द सॉल्यूशन, डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी, ए तो वैसे ही रहेगा, टी का डेरिवेटिव क्या 1 माइनस माइनस साइन टी का क्या होगा कॉस टी हो जाएगा, ठीक है ऐसी बात हो जाएगी, तो डीएक्स बाय डीटी बहुत सिंपल है, तो साक्षी नहीं दिख रहा है तो आप रिफ्रेश करो, फिर वाई का डेरिवेटिव डीवाई बाय डीटी इज इक्वल टू ए, 1 का तो 0 हो गया बेटा, कॉस का क्या होगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस ये साइन टी हो गया, एम आई क्लियर, सो डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डीवाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी, तो ये क्या हो गया ए साइन टी अपॉन ए 1 माइनस कॉस टी। इसके बाद ना ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले का कमाल है, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले का कमाल है, 1 माइनस कॉस टी इज नथिंग बट 2 साइन स्क्वायर टी बाय 2, और ऊपर जो साइन टी है इसको मैं लिख सकता हूं 2 साइन टी बाय 2 कॉस टी बाय 2, सर कौन से फॉर्मूले बता रहे हो, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों फॉर्मूले मैंने यहां लगाए हैं, नीचे 1 माइनस कॉस 2 थीटा है, एंगल आधा हो जाता है, 2 और 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल, तो क्या बचा कॉस टी बाय 2 अपॉन साइन टी बाय 2, जो कि क्या होता है कॉट ऑफ टी बाय 2, एंड दिस इज माय आंसर, ऐसी स्टेप्स थी, डिफरेंशिएशन तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही आसान था, बस यहाँ पे आखिरी में ये दो रेड कलर के ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज लगाने थे,
क्या कर रहे थे कि रेड कलर के ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज लगाने थे। ओके ऊपर का नहीं सूझा। अच्छा अगर कुछ लोगों को नहीं सूझता है ना तो आप वैल्यू डाल के भी कर सकते हो ना, 90 डाल दो या 0 डाल दो और चेक कर लो कि क्या होगा। ऐसे भी चलता है ना, 0 डाला तो क्या होगा, 0 डालने पे 0 आएगा, तो इसमें से कितने ऑप्शन जो 0 डालने पे ये दे रहे हैं, वो ऐसे ऐसे कुछ कर सकते हो, ऐसे थोड़ा सा देख सकते हो। ठीक है चलो करें अगले क्वेश्चंस पे जाएं। हो गया ये, सबको समझ में आ गया ब्रेकआउट क्वेश्चन? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? देख लो इसका सॉल्यूशन। चलो बहुत अच्छे, कंटिन्यू करते हैं फिर हमारी क्लास जो चल रही थी। ये एक और टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखने हैं हमको। ठीक है अब हम ये एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे, वो है डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ना कभी कभी हमें क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दिया होता है डिफरेंशिएट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स, ऐसे ऐसे दिया होता है। तो आपको ज्यादा कुछ अलग नहीं करना है, पहले को यू लेना है दूसरे को वी लेना है और काम स्टार्ट कर देना है। सिमिलर तरीके से हमेशा यही काम करना है, फर्स्ट फंक्शन को यू लेंगे, सेकेंड फंक्शन को वी लेंगे और फिर du by dv is what we are required to find, okay? और अब देखो आप u sin x है, मतलब x के टर्म में है, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा बच्चों, du by dx मिलेगा। v भी x के टर्म्स में है, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा बच्चा लोग, dv by dx। so therefore du by dv is du by dx upon dv by dx, समझ रहे हो ना, पैरामेट्रिक फॉर्म ही तो यूज हुआ सर। ठीक है सब लोग समझ रहे हैं कैसे, जब भी ऐसा बोला जाएगा ना फाइंड डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर, तो पहले फंक्शन को यू लेना है, दूसरे फंक्शन को वी लेना है और फिर पैरामेट्रिक फॉर्म की तरह ही सॉल्व करना है। ये थ्योरी है तो डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर। चलिए दो एग्जाम्पल करते हैं और आज का सेशन यही ना, दो एग्जाम्पल आखिरी हमारे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें इनवर्स वगैरह, हमने ऑलरेडी इनवर्स और ये सब किया हुआ है सॉल्व। देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, क्या है सर ये देखो, हमें क्या बोला है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन। ज्यादा कुछ सोचो नहीं, क्या करो पहले को यू ले लो, यू इज टैन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। अभी टैन इनवर्स वाला है, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन किए हैं हम लोगों ने, क्या करते हैं हम इस क्वेश्चन में, क्या करते हैं हम इन क्वेश्चन में, क्या करते हैं बच्चों इन क्वेश्चंस में, सब्स्टिट्यूट करते हैं। वेरी नाइस, क्या सब्स्टिट्यूट करूं बच्चों मैं, बोलिए आप क्या सब्स्टिट्यूट करूं, एक्स को क्या डालू, टैन नहीं डालेंगे हम, क्या करेंगे साइन डालेंगे। साइन इसलिए डालेंगे बताओ, क्यों डालेंगे, ताकि ये अंदर की चीज टैन बन के आ जाए। तो यू इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ ऊपर साइन थीटा, नीचे में देखो रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है तो यू क्या आएगा, tan inverse of, ये मानी साइन भी चलेगा कॉस भी चलेगा, it doesn't matter, ओके बेटा। तो अब क्या हुआ देखो, ऊपर में साइन थीटा, नीचे में वन माइनस कॉस स्क्वायर का क्या होगा, वन माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर हो गया। ठीक, और पूरा मिला के कॉस आ गया, सही बात है ना। और जो लोग भी हैंड रेज किए बात करनी है, पहले मैं कंप्लीट करूंगा क्वेश्चन, ये क्या होगा tan inverse of tan theta हो गया, तो u is nothing but theta। अब मुझे बताइए theta है क्या एक्चुअली, अगर यहां से देखेंगे आप theta क्या आता है, यहां से sin inverse of x है सर, u is equal to sin inverse of x, सही है ना। सब लोग, किसी को बाउंसर तो नहीं जा रहा ये ना, सबके दिमाग में जा रही है बात मैं जो बता रहा हूँ, राइट, सब लोग समझ पा रहे हैं। अब डिफरेंशिएट कर लीजिए, du by dx is 1 upon root of 1 minus x square, ठीक है ओके ठीक है ना। पीयू को नहीं समझा, और भी बच्चे होंगे जिनको नहीं समझा है, ओके
ठीक है ना। देखो देखो बेटा, मैं बताता हूँ आप लोगों को, जितने लोगों को नहीं समझ में आया है प्लीज सी भाई। ये जो है ना, ये वैसे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस फिर से आ गया, ऐसी बात हुई है राइट। एक्सरसाइज 1.2 में ऐसे ही करा था हम लोगों ने। क्या करते हैं हम, बाहर अगर टैन इनवर्स है ना तो हम अंदर भी टैन लाने की कोशिश करते हैं। हमारा स्ट्रेट अवे सोचना ये है कि टैन इनवर्स है मतलब अंदर टैन कैसे आएगा। तो मैं क्या करूंगा, एक्स को साइन थीटा रखूंगा। एक्स को साइन थीटा रखने से क्या होगा, ऊपर साइन आएगा और नीचे में देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर जो क्या होता है, कॉस स्क्वायर हो जाता है। ये सब मेरे दिमाग में ना जल्द समझ में आ जाता है कि यार ऐसा करना चाहिए, क्योंकि रूट में हमने हमने देखा था सब्स्टिट्यूशन होता है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर हुआ तो एक्स को क्या रखना चाहिए, साइन थीटा, राइट। हमने देखा था ना सब्स्टिट्यूशन, करेक्ट, बस वही किया हमने। ठीक है, रियु ज्योति पीयू, समझ में आई बात बेटा। एक्स को साइन थीटा रखना पड़ेगा, ठीक है, एक्स को साइन थीटा रखना पड़ेगा। हाँ या ना बोलो। भाई बोलो, है ना अक्षिता, बहुत अच्छे। रियु ज्योति, आप लोगों को नहीं समझ में आया अभी भी, ओके ठीक है। तो आपने रखा साइन थीटा, तो ऊपर में साइन आया, नीचे में 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, और रूट में भी है ना, रूट में, ओके रूट में भी है, तो रूट में भी है तो कॉस वो सब हो गया, टैन थीटा बन गया। तो टैन इनवर्स ऑफ टैन थीटा इज थीटा, ओके। अब थीटा फिर से रखना पड़ेगा ना एक्स में, क्योंकि हमने शुरुआत अगर एक्स में की थी तो री सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। हमने कुछ सब्स्टिट्यूट किया है तो री सब्स्टिट्यूट भी करना पड़ेगा। तो बेटा क्या, तो यहां से थीटा क्या आया मेरा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। एंड नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने इस फंक्शन को सिंप्लीफाई किया और डिफरेंशिएशन डीयू बाई डी एक्स मिल गया। चलिए अब वी वाली टर्म, वी क्या है, सही बोल रहा है हिमानी, मैं समझ गया था पहली, बट कोई बात नहीं ना, जो कुछ बच्चों ने जो मुझे कहा मैं वो फॉलो करता हूँ। सेक इनवर्स ऑफ 1/2x² - 1, ऐसा है। अब यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, और क्या, सिर्फ कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्यों क्यों, कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए उसके लिए। तो ट्रिग्नोमेट्री ना बहुत ज्यादा फॉर्मूले पे बेस्ड है बेटा, अगर फॉर्मूले पता हो तो सारी बात बढ़िया हो जाती है। तो ये हो जाता है सेक इनवर्स ऑफ, यस, 1/cos2θ हो जाता है। ये फॉर्मूला है cos2θ का, एक cos2θ का फॉर्मूला है, 2cos²θ - 1, उस तरह लाने के लिए मैंने एक्स को cos θ रखा। तो अगर ये सेक इनवर्स है बेटा, तो cos ऊपर चला गया तो sec बन गया, सब लोग समझ सकते हैं। तो सेक इनवर्स और sec कट हो गया, तो v क्या बना, 2θ बन गया। रियू पीयू, है ना, सब लोगों को समझ में आ रही है स्टेप्स, प्लीज देखिएगा। हमने शुरुआत एक्स में की थी तो हमें रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना, ना रीसब्स्टिट्यूट क्या करोगे, थीटा इज कॉस इनवर्स एक्स ना, थीटा इज कॉस इनवर्स एक्स, देयरफॉर वी इज 2cos²x। अब डिफरेंशिएशन डीवी बाई डी एक्स इज 2, तो वैसे ही है, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/√(1 - x²). तो du by dx भी मिल गया, dv by dx भी मिल गया। नाउ यूजिंग du by dv इज नथिंग बट du by dx अपॉन dv by dx। बच्चा लोग बस रखने की देरी है और आंसर आने वाला है, ओके। तो पहला था हमारा 1/√(1 - x²), दूसरा है -2/√(1 - x²). आप देख सकते हैं ये टर्म कैंसिल हो रही है, तो आंसर आ गया -1/2। दिस इज अवर आंसर। 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, 4 मार्क के लिए, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन 4 मार्क के लिए, राइट। 4 मार्क्स आपको ऐसे ही दे जाएगा ये क्वेश्चन। अब कितने लोगों को अभी भी नहीं समझ में आई बात, अभी भी नहीं समझ में आई तो आपको नो लिखना है और फिर मैं बताऊंगा आपको, और समझ में अगर आ गई है तो आपको ना कंप्लीट कर लीजिए इसको। ये हमारा पहला स्लाइड है, बहुत अच्छे हर्षित, बहुत बढ़िया बेटा, ये हमारा पहला स्लाइड है। हिमानी आप करेक्ट है ना, कॉस रखता तो और भी इजी हो जाता, सही है। इट ऑल डिपेंड्स है ना, क्या क्लिक हुआ आपको उस पर, समझा, बहुत अच्छे साक्षी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे शारिक, शारिक रजवल, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे, आप लोग आराम से सुन रहे हो ना इसीलिए समझ में आ रहा है आपको, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, मतलब बता रहा हूँ ना मैं, मेरे आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया, ऐसे ही करते रहिए अगले 15-20 दिन, 1 महीना,
मचा दोगे आप फिर। ये लीजिए, ये भी लिख लीजिए ना, सेकंड स्लाइड। एक और क्वेश्चन करते हैं ना, लास्ट क्वेश्चन। हाँ चलता, अगर सेम सब्स्टिट्यूट करते ना हिमानी, तो अगर आपने दोनों जगह सेम सब्स्टिट्यूशन किया होता तो फिर थीटा के टर्म्स में डिफरेंशिएशन करते तो चल जाता। यहाँ मैंने अलग अलग किया इसलिए एक्स में वापस लाना पड़ा, और मैं जानबूझ के अलग अलग किया ताकि एक जनरलाइज अप्रोच आपको मिल जाए। ठीक है, कौन सा बेटा? फर्स्ट ज्योति, एक्स साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टैन एक्स, ये वाला। अरे तो इजी है ना, बता देता हूं, है ना। कि ज्योति का डिमांड है इसलिए ये क्वेश्चन करा रहा हूं मैं ना, फोर्थ का फर्स्ट। यहां बोला है एक्स साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टैन एक्स, ओके। ये कह रही है, इसको नाराज तो नहीं भेज सकते ना हम, तो क्या करेंगे बच्चा पार्टी, चलो मिलके करते हैं। यू को एक्स साइन एक्स लेंगे, लेंगे ना, और अब डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। और वी को टैन एक्स लेंगे, बढ़िया। इसका डेरिवेटिव कैसे होगा यहाँ पे? डी यू बाई डी एक्स। यूवी रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या करता है? पहले आप सिर्फ और सिर्फ एक्स का डिफरेंशिएशन करो, साइन एक्स को वैसे ही रखो, फिर नेक्स्ट टाइम में आप एक्स को ऐसे रखो और किसका डिफरेंशिएशन करोगे? साइन एक्स का। ज्योति आता है यूवी रूल आपको? ये प्रोडक्ट रूल, वन इंटू साइन एक्स प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो बेटा डी यू बाई डी एक्स आपका आ गया साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। और यहाँ पे डीवी बाई डी एक्स क्या होगा? सिंपल है ये तो, सेक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा। बस हमारा आंसर क्या रहता है? du by dv is du by dx upon dv by dx। ठीक है, रख दो आंसर, sin x plus x cos x upon sec square x, that is done। ओके, अगर आप चाहो तो ऊपर में cos square भी लेके जा सकते हो, बट वी आर डन, ये हमारा आंसर है। आगे ज्योति, इजी है, बहुत ही इजी है, बहुत ही। हाँ बहुत इजी था इसलिए तो मैंने नहीं लिया ना। एक क्वेश्चन करें अब, एक बस एक और क्वेश्चन करते हैं, देन वी आर रेडी टू कंप्लीट आवर क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योति लिखना है क्या? हो गया ना। अच्छा ये क्वेश्चन करते हैं, एक्स पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स पावर साइन एक्स, क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, यस। तो पहला काम क्या है? यू को एक्स पावर एक्स ले लिया और वी को एक्स पावर साइन एक्स ले लिया, तो ये क्या है? फंक्शन पावर फंक्शन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वाला चीज है। वेरी नाइस बच्चों, लॉग यू इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स पावर एक्स। दोनों को ही हमें क्या करना पड़ेगा? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, है ना। याद है आप लोगों को ये बात? सब लोगों को याद है ये बात, बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, फिर आगे बढ़ाते हैं चीजों को। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉग यू वैसे ही रह गया और ये क्या आएगा? एक्स लॉग एक्स। नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग यू का डेरिवेटिव है 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स। तो यहाँ पे यूवी रूल होगा, राइट? यहाँ पे क्या होगा? यूवी रूल। तो एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया बेटा, लॉग एक्स वैसी प्लस इस बार एक्स वैसी, और लॉग एक्स का क्या होता है? 1 बाई एक्स। आई होप सब लोग समझ रहे हैं ना, सब लोग समझ रहे हैं बात को, बड़े आराम से समझ रहे हैं सब लोग, करेक्ट? यस, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया ज्योति, है ना, नाइस। फिर अब नेक्स्ट स्टेप, तो यहां से क्या आया? फिर यू को उधर भेज दिया बेटा, तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू टाइम्स लॉग एक्स प्लस 1 हो जाएगा। डी यू बाई डी एक्स क्या हो गया मेरा? यू की जगह पे एक्स पावर एक्स लॉग एक्स प्लस 1। ये मेरा पहला पार्ट हो गया है। ऐसा कोई जिसको नहीं समझ में आया? एकदम सिंपल है, ओके, एक्स पावर एक्स लॉग एक्स प्लस 1। चलिए फर्स्ट पार्ट मेरे साथ साथ आप लोगों ने कर भी लिया, मेरे साथ साथ आप लोगों ने कर भी लिया है, इजी है, राइट? बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट, वी जो है वो क्या लिया आपने? वो क्या दिया? एक्स पावर साइन एक्स दिया हुआ है। वी
अगेन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, तो लॉग वी इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स पावर साइन एक्स, लॉग वी इज इक्वल टू साइन एक्स इन टू लॉग एक्स। अगेन बच्चों डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग वी का डेरिवेटिव 1 बाय वी डी वी बाय डी एक्स। ओके अक्षिता रिफ्रेश करो बेटा, रिफ्रेश करो, है ना। इधर में यूवी रूल लगेगा, मतलब प्रोडक्ट रूल, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और लॉग एक्स वैसे ही, प्लस साइन एक्स वैसे ही बच्चों लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स। देयरफॉर डी वी बाय डी एक्स इज वी इन टू कॉस एक्स इन टू लॉग एक्स प्लस साइन एक्स बाय एक्स, राइट। और वी को आप रख दोगे तो देयरफॉर डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर साइन एक्स इन टू कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स बाय एक्स। ये हो गया हमारा डी वी बाय डी एक्स। सो देयरफॉर ना दूसरा वाला पार्ट भी समझ में आया बच्चा लोग, सभी को समझ में आई बात, ठीक है। डी यू बाय डी वी इज नथिंग बट डी यू बाय डी एक्स अपॉन डी वी बाय डी एक्स। बस दोनों के आंसर्स जो आए ना वो लिख देंगे, ऊपर का ये और नीचे का ये, एक्स पावर साइन एक्स नीचे वाला पार्ट, कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स बाय एक्स, और ऊपर ये जो आया था एक्स पावर एक्स लॉग एक्स प्लस वन, ऐसा आया था। एंड दिस इज अवर आंसर। और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्या वगैरह वगैरह, इट्स अप टू यू। एलसीएम बनाना चाहते हो तो बना लो, अदरवाइज यहाँ तक भी छोड़ा तो भाई पूरे चार मार्क आपको मिलेंगे ही मिलेंगे पक्का। ओके क्यूईडी, कितना अच्छा प्रैक्टिस हुआ ना, कितना अच्छा प्रैक्टिस हो रहा है, मतलब एकदम स्ट्रांग होते जा रहा टॉपिक, है ना। अक्षिता नहीं समझा, अक्षिता अभी दिख रहा है या नहीं आपको लेकिन स्क्रीन पे? ओके है ना। देख बेटा अक्षिता आप तो लॉग आउट हो गए थे इसलिए आपको नहीं समझ में आया। देखो ये वाला पार्ट देखो, x इक्वल टू वी, जो v है सेकंड फंक्शन को हमने v लिया बेटा, जिसको भी दिख नहीं रहा है ना उसको तो क्या करना पड़ेगा, उसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि पावर द फंक्शन पावर फंक्शन है तो हमें लॉग ऑन बोथ साइड्स करना पड़ता है, तो लॉग ऑन बोथ साइड्स किया बेटा हमने, फिर ये साइन एक्स नीचे आ गया, ठीक है अक्षिता। ओके साइन एक्स नीचे आ गया और फिर अब यूवी रूल लगाया आपने, यूवी रूल में क्या होता है पहले साइन का डेरिवेटिव कॉस लॉग एक्स वैसे ही, फिर बाद में लॉग एक्स का डेरिवेटिव और साइन एक्स वैसे ही, बन गया ये डिफरेंशिएशन। ये वी उस साइड लेके चले गए, वी को हमने रख दिया, बस हो गया। इतना तो ईजी है बेटा, इतना ईजी है, ओके करेक्ट। फर्स्ट स्लाइड, फर्स्ट स्लाइड में भी यही ऐसे ही कुछ था। देखो यू इक्वल टू एक्स पावर एक्स दिया हुआ था हमें, ठीक है, तो अगेन लॉग ऑन बोथ साइड्स क्योंकि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, फिर एक्स नीचे आ गया, यूवी रूल आपको आता है, बस हो गया हमारा आंसर बन गया। बहुत बहुत ही सिंपल सिंपल है ये, ठीक है। तो ये फोर्थ का सेवेंथ था और ऐसे करते करते हमने ये एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो गई है, एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीटेड। ओके अगर आप सब लोगों का मन होगा तो एक स्टार ये ले सकते हैं हम लोग ब्रेकआउट, अगर आप लोगों का मन होगा तो, अगर नहीं है तो फिर हम ना कर खत्म भी बोल सकते हैं, वी आर डन हियर। ब्रेकआउट ले, एक ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं ब्रेकआउट में। ओके चलो सो लेट्स हैव अ ब्रेकआउट, है ना बच्चों। अगला सेशन मेरा पता है आपको कब है, 9:30 PM को क्वेश्चन बैंक पे, और आज हम क्वेश्चन बैंक में नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, न्यू टॉपिक है आज, पहला लेक्चर रहेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कंप्लीट हो चुका है, यू ऑल कैन जॉइन, है ना, क्वेश्चन बैंक सॉल्विंग का जो रहेगा, ठीक है। ओके बहुत सारे बच्चों का गलत हो गया भाई, ऐसे कैसे गलत हो गया इतने सारे बच्चों का, सिर्फ और सिर्फ फाल्कन्स में, इनफैक्ट सिर्फ अथर्व देशमुख का ही सही आया है, बाकी सबका गलत हुआ है क्या? बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ है, थोड़े से बच्चों का। चलो देखो सॉल्यूशन देखो फटाफट, आप लोगों को क्या सब्स्टिट्यूट करना था, सब्स्टिट्यूट तो करना था आपको, क्या सब्स्टिट्यूट करना था बताओ, टाइम कम पड़ा। ओके देखो भाई, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3t - 4t³, ओके ऐसा ही दिया है ना आपको, 3t - 4t³। भाई कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो मैं t को साइन थीटा रखूंगा, x इज साइन इनवर्स ऑफ 3 sin थीटा - 4 sin³ थीटा,
यू क्या साइन इनवर्स ऑफ साइन थ्री थीटा, तो सॉल्व होके एक्स आता है सिर्फ और सिर्फ थ्री थीटा, मतलब एक्स इज थ्री साइन इनवर्स ऑफ एक्स, राइट, साइन इनवर्स ऑफ टी, सॉरी ऐसा रख देते हैं। ओके अब वाई की बात देखे, वाई वाई क्या दिया आपको, कॉस इनवर्स ऑफ रूट के अंदर वन माइनस टी स्क्वायर। बच्चों टी को फिर से मैं यहाँ पे साइन थीटा ही रखूंगा, क्यों, कॉस लाना है ना मुझे अंदर, राइट, तो आपने पढ़ा है कि कॉस इनवर्स ऑफ ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर, तो वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा आ जाएगा, सो वाई इज थीटा, तो वाई इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स। बच्चों अब ज्यादा ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए था आपको, बस यहां से देखो दोनों ही साइन इनवर्स टी के टर्म्स में है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे एक्स इज थ्री वाई, लिख सकते हो, यानी साइन इनवर्स ऑफ टी एलिमिनेट कर सकते हो दोनों जगह से, तो y इज नथिंग बट x बाय थ्री, तो dy बाय डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 बाय थ्री हो जाएगा, खत्म, QED। और हिमानी ऐसा है दोनों में थीटा सेम डाला था, तो आप डायरेक्ट थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो, डायरेक्टली यहां से आप कहते हैं dx बाय d थीटा इज 3, और यहां से कहते हैं dy बाय d थीटा इज 1, और पैरामेट्रिक वाला फॉर्म यूज करके dy बाय dx इज dy बाय d थीटा अपॉन dx बाय d थीटा, which is nothing but 1 by 3, क्योंकि दोनों में सब्सटीट्यूशन सेम था, इसीलिए अगर अलग अलग होता तो ऐसे नहीं करते, okay? क्योंकि यहाँ पे दोनों का थीटा जो था वो सेम था ना, got it बच्चों, जितने अप्रोच लगानी आप लगा सकते हो, देख रहे हो कितने अलग अलग अप्रोच से कर रहे हैं, तो टाइम इनफ था या नहीं फिर, ठीक है चलो, यस दैट इज ऑल फॉर द डे बच्चा लोग, टेक केयर, सी यू अगेन 9:30 को, yes Ayush, no? Don't worry, thank you, bye bye, see you at 9:30 question bank, theek hai, chalo bachcha log, bye bye, till then have good time.